हेलो प्यारे नाजरीन, आज भी मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है मलाइका। मलाइका यहाँ पर लिखा हुआ है, मलाइका यानी फरिश्ते। फरिश्ते को मलाइका भी कहते हैं और फरिश्ते भी कहते हैं। तो आज की ये टॉपिक यानी फरिश्तों के बारे में है। जो पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, मुसलमान तो हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, फिर अगर आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर मोमिन मुसलमान बनने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, वो भी मैंने आपको बताया था कि जब आप मुसलमान हो गए, जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए, अगर आप मोमिन या फिर ईमान वाले कहलाएंगे तो उसके लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजें? 7 चीजें। और 7 चीजें क्या क्या है? पहला नंबर पर था क्या? अल्लाह ताला पर ईमान लाना, दूसरे में फरिश्तों पर ईमान लाना, तीसरे में अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, चौथे में नबियों और रसूलों पर ईमान लाना, पांचवे में तकदीर पर ईमान लाना, और छठे में कयामत के दिन पर ईमान लाना, और 7 नंबर में बास पर ईमान लाना, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। ये 7 चीजें मुसलमान या मोमिन कहलाने के लिए ये होना जरूरी है। यानी अगर आप ईमान वाला होना चाहते हैं, ईमान वाला बनना चाहते हैं, तो आपको इन 7ों चीजों का मानना ही लाजिम है और फर्ज आइन है आपको। अगर आप इन 7ों में से किसी का भी अगर आपने इनकार किया तो फिर आप मुसलमान या तो फिर मोमिन या तो फिर ईमान वाले नहीं कहलवाएंगे। जैसे कि आजकल के बहुत सारे लोग मुसलमान तो है मगर वो ईमान वाले नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है, वो नबी को तो मानते हैं मगर अपनी तरह मानते हैं, वो रसूलों को तो मानते हैं मगर अपनी तरह मानते हैं, अपनी तरह बशर मानते हैं। और ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग मोमिन है, हम लोग वो हमारा अकीदा नहीं है कि हम नबियों को अपनी तरह कहें। इस्लाम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं मगर इस्लाम में आने के बावजूद आपको 7 चीजों का होना जरूरी है, तब आप ईमान वाले या तो फिर मोमिन कहलवाएंगे। अगर आपके पास उन 7ों चीजों में से अगर एक कभी इनकार किया आप, तो आप मुसलमान या तो फिर ईमान वाले नहीं कहलवाएंगे, फिर आप वही तबलीग वाले हो जाएंगे, है ना, ना इधर के ना उधर के, बीच में अटक के रह जाएंगे, है ना। तो इस्लाम कबूल करने के बाद 7 चीज का होना जरूरी है, और 7 में से मैंने कल आपको बताया था कि अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाए, तो उसका वीडियो आपके सामने है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आए मलाइका, है ना। दूसरे नंबर पर क्या था? मलाइका यानी फरिश्ते। आज हमारी बात होगी फरिश्तों पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया, फरिश्तों का काम क्या है, फरिश्ते किसे कहते हैं, फरिश्ते किस चीज से पैदा हुए, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले आपको हम लिख देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताते हैं।
तो ये मैंने आपके सामने फरिश्तों के बारे में आपके सामने मैंने लिख दिया, आप देख ही रहे हैं। अब ये जो मलाइका है यानी फरिश्ते, इन फरिश्तों पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, इन फरिश्तों पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए जिसके बिना पर हम मोमिन या तो फिर मुसलमान कहलाएंगे। क्योंकि आजकल तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं मगर मुसलमान और मोमिन कहलवाने के लिए उन बातों पर अमल नहीं करते। तो मुसलमान या मोमिन कहलवाने के लिए हमें सात चीजों को मानना जरूरी फर्ज बिल आयन है, सातों को मानना। अगर उन सातों में से अगर किसी का भी आपने इनकार किया तो आप फिर मुसलमान या मोमिन नहीं रहेंगे। आप इस्लाम में तो रहेंगे मगर आप मोमिन नहीं रहेंगे, आप कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर ये सात चीज ना हो जाए। अगर आपके अंदर ये सात चीज शामिल है, दाखिल है, तो फिर आप मोमिन या तो फिर मुसलमान कहलवाएंगे। अब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए फरिश्तों पर, फरिश्तों पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, वह हम आपको बताएं कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके बाद फरिश्तों पर ईमान लाना। अब फरिश्तों पर हम ईमान कैसे लाए, तो उसी के बारे में हम बता रहे। तो हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, अल्लाह ताला ने एक मखलूक को नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने एक मखलूक को नूर से पैदा किया है, उन्हें फरिश्ता या फिर मलाइका कहते हैं, है ना। यानी अल्लाह ताला ने एक मखलूक को नूर से पैदा किया है जिसको हम मलाइका या फरिश्तों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम फरिश्ता या फिर मलाइका कहते हैं, ठीक। उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत। कौन? यानी फरिश्तों के बारे में ये अकीदा होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में ये ईमान होना चाहिए कि फरिश्ता को नूर से पैदा किया गया है और फरिश्ता ना वो मर्द है और ना ही वो औरत है, ठीक। उसके बाद आ जाइए, अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाए, है ना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है कि वो जो चाहे शक्ल बन जाए, इख्तियार कर ले, सिवाय दो शक्लों को छोड़कर। कितने शक्लों को? दो शक्लों को छोड़कर, एक कलबुन, है ना, एक कलबुन और एक खिंजीर, है ना। कलबुन और खिंजीर को, खिंजीर के अलावा जो शक्ल चाहे फरिश्ते बन जाते हैं, ये उनके अख्तियार में है। अल्लाह ताला उनको ये ताकत दी है शक्ल इख्तियार करने की, ठीक। उसके बाद वो हमेशा अल्लाह ताला की बात मानते हैं। कौन? यानी फरिश्ता हमेशा अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला के मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जो कुछ, अल्लाह ताला उन्हें जो कुछ करने को कहता है या जिस काम में लगा देता है, जो कुछ करने को कहता है या जिस काम में लगा देता है वो वही, यानी फरिश्ता वही करते रहते हैं, फरिश्ता वही काम करते रहते हैं, मगर अल्लाह ताला जब तक हुक्म ना दे वो उस काम को छोड़ते नहीं है, वो उस काम पे लगे रहते हैं जब तक हुक्म ना दे, है ना। यानी इसलिए तो कहा कि अल्लाह ताला की बात हमेशा वो मानते हैं। उसके बाद वो ना खाते हैं, यहां लिखे वो ना खाते हैं और ना पीते हैं और ना सोते हैं, ठीक। फरिश्ता ना खाते हैं ना पीते हैं और ना वो सोते हैं, वो हमारी तरह नहीं है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि फरिश्तों की असल तादाद, फरिश्तों की असल तादाद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है, है ना। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो ये हो गया फरिश्ते के बारे में हमारा ईमान। इस तरह ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक को पैदा किया है, आप इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, है ना, क्योंकि यह बहुत ही हमारे लिए अहम चीज है, बहुत ही जरूरी है फरिश्तों के बारे में। कि अगर कोई भी पूछे आपसे कि फरिश्तों के बारे में हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि अल्लाह ताला एक मखलूक को नूर से पैदा किया है जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, है ना, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, और फरिश्ता हमेशा अल्लाह ताला की बात मानते हैं, और अल्लाह ताला जो काम में उन्हें लगा देता है या जिस काम करने को कहते हैं वो उसी पे लगे रहते हैं, वो उसी को करते रहते हैं जब तक कि अल्लाह के हुक्म ना हो जाए, तब तक उस काम से
उठते नहीं है, उस काम को छोड़ते नहीं है। उसके बाद फरिश्ते ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, है ना। वो तमाम चीजों से क्या है, पाक है, खाने से भी पाक है, सोने से भी पाक है और पीने से भी पाक है। इन तमाम चीजों से फरिश्ता क्या है, पाक है, ना वो खाते हैं ना पीते हैं, ठीक है। उसके बाद फरिश्तों की तादाद कितनी है किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है। उसके बाद यहां मैंने आपको बता दिए, उसके बाद यहां जो मैंने लिखा कि उनमें कुछ मशहूर के नाम और काम, उनमें यानी उन फरिश्तों में कुछ मशहूर फरिश्तों के नाम आपको बताएंगे और उन फरिश्तों का काम क्या है वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि फरिश्ता भी अल्लाह ताला काम करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला जो काम में उन्हें लगाता है वो उसी काम पे लगे रहते हैं, तो उसकी हम मिसाल आपको सामने पेश करेंगे। जो फरिश्ता मशहूर फरिश्ते हैं उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है, वो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको लिख देते हैं, उसके बाद आप सही से समझ पाएंगे। तो ये हो गया 10 मशहूर फरिश्ते के नाम और काम, ठीक है।
तो ये हो गया आपके सामने 10 मशहूर फरिश्तों के नाम। ठीक, अब इनका काम भी क्या है ये भी आपके सामने मैंने लिख दिया। तो देखिए 10 मशहूर फरिश्ते के नाम और काम। ठीक, तो नंबर एक पे है, नंबर एक पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अंबिया और मुरसलीन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, यानी वही जिसको हम वही कहते हैं वही पहुंचाना है। थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या था कि अंबिया और मुरसलीन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, यानी वही पहुंचाना। उसका दो नंबर पर हो गया हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का जो काम था वो क्या था, हवा, बिजली, बारिश और रोजी का इंतजाम करते हैं, है ना। उनका काम क्या है कि हवा, बिजली, बारिश और रोजी का इंतजाम करते हैं। कौन करते हैं, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम क्या हो गया कि हवा, बारिश, बिजली और रोजी का इंतजाम करते हैं। नंबर तीन नंबर पे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका जो काम है कयामत के दिन सूर फूकेंगे, है ना। कयामत जिस दिन कायम होगी, जिस दिन वाक़े होगी, कयामत जिस दिन होगी उस दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, उसके बाद कयामत होगी। उसका नंबर चार पे आ जाइए, नंबर चार पे हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम वो क्या करते हैं, तमाम जानदारों की रूह निकालते हैं। क्या करते हैं, तमाम जानदारों की रूह निकालते हैं, यानी जिस चीज के अंदर रूह है उसको वो कब्ज करते हैं। ये किसका काम हो गया, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम का। ठीक है, उसका नंबर पांच पे आ जाइए हजरत रकीब, और नंबर छह पे हजरत अतीद अलैहिस्सलाम। हजरत रकीब और हजरत अतीद अलैहिस्सलाम ये कौन है, ये भी फरिश्ते हैं। तो इनका जो काम है नंबर पांच पे है हजरत रकीब अलैहिस्सलाम और छह नंबर पर है हजरत अतीद अलैहिस्सलाम। इनका जो काम है वो बंदों के अच्छे, यहां लिख रहे बंदों के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं। कौन लिखते हैं, हजरत रकीब अलैहिस्सलाम और हजरत अतीद अलैहिस्सलाम, ये बंदों के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं, ये उनका काम है। उसके बाद नंबर सात पे आ जाइए, नंबर सात पे हजरत मुनकर अलैहिस्सलाम और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। हजरत मुनकर अलैहिस्सलाम सात नंबर पर और आठ नंबर पर होंगे हजरत नकीर, हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। ये जो उनका काम है कब्रों में मुर्दों से सवाल करते हैं। ठीक है, इनका दोनों का काम क्या है, हजरत मुनकर अलैहिस्सलाम और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम का जो काम है कब्रों में बंदों से सवाल करते हैं। कौन करते हैं, हजरत मुनकर और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। ये दोनों का काम क्या है कि कब्र में जो बंदे जाते हैं उनसे सवाल करना। उसके बाद नंबर नौ पे आ जाइए, नौ पर हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। नंबर नौ पे है हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, लिख लीजिए आप। नौ नंबर पर है हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। इनका काम जो है ये जन्नत के पहरेदार है। कौन है, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जो नौ नंबर फरिश्तों पर है, इनका काम है जन्नत के पहरेदार करना, है ना, वो जन्नत के पहरेदार है। और नंबर दस पे है हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। कौन है, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। इनका जो काम है ये जहन्नम के पहरेदार है। कौन है, ये जहन्नम के पहरेदार है। तो ये दस फरिश्ते हैं मशहूर, है ना, ये दस फरिश्ते मशहूर है और इनका जो काम है ये आपके सामने मौजूद है। तो इसको मालूम करने के लिए, याद करने के लिए आपके पास होना भी जरूरी है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस नक्शा को आप उतार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना, आपको याद करने में आसानी हो, किसी को समझाने में भी आसानी हो आपके लिए। तो मैंने जो आपको आज बताया, हमारा ईमान पक्का होने के लिए हमें सात चीजों पर हमारा यकीन होना चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए। उनमें से मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, नंबर दो पे है फरिश्तों पर ईमान लाना, नंबर तीन पे है अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, नंबर चार पे है नबियों और रसूलों पर ईमान लाना, नंबर पांच पे है तकदीर पर ईमान लाना, नंबर छह पे है कयामत के दिन पर ईमान लाना, और नंबर सात पे है
बास पर ईमान लाना, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। तो उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना ये नंबर दो का था, ये नंबर एक का था। तो ये मैंने आपको पूरा खुलासा के साथ आपको पेश किया था, आपको बताया था, समझाया था। उसके बाद आज जो मैंने आपको बताया नंबर दो पे, यानी फरिश्तों पर ईमान लाना, तो फरिश्तों पर हम ईमान कैसे लाए, है ना, ये भी आपके सामने मैंने पेश कर दी। तो आप एक काम कीजिए, आप इन तमाम चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने घर वालों को, अपने खानदान के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं सबको आप इस दीन इस्लाम की नॉलेज दीजिए, दीन इस्लाम की जानकारी दीजिए कि यह फरिश्ता कौन होते हैं, फरिश्ता का काम क्या है, फरिश्ते कहाँ से आए हैं, फरिश्तों को किस चीजों से पैदा किया गया और फरिश्तों का मालिक कौन है। ये सब अपने बच्चों को सिखाइए, अपने फैमिली को सिखाइए, ताकि वो बच्चे हमारे धर्म से भटके ना, हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में ना जाए। क्योंकि जिस इंसान को किसी चीज में शक हो जाता है तो उस इंसान उस चीज को छोड़ देता है, उस चीज पर उसका यकीन नहीं रहता है। और आज हमारा मजहब इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम आज इसी तरह हो गया है, क्योंकि आज हम अपने दीन को छोड़कर दुनियावी के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। हम अपने इस्लाम के नॉलेज को छोड़कर, अपने इस्लाम की तालीम को छोड़कर आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करते हैं, इंग्लिश मीडियम में उसे पढ़ाते हैं, इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। ए मेरे प्यारे, सबसे पहले हमें वो भी सीखना है और ये भी सीखना है, मगर सबसे पहले जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को दीन इस्लाम की तालीम दीजिए। क्योंकि अगर उनका ईमान सलामत है तो सब कुछ मिलेगा, अगर ईमान ही सलामत नहीं है तो आप दुनिया में रहकर क्या करेंगे, है ना, दुनिया में रहकर क्या करेंगे। अगर बच्चे के पास ईमान सलामत है, अगर आपके पास ईमान सलामत है, तो आप इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, बंगाली भी सीखिए, आप सब कुछ सीखिए, आप पुलिस भी बन जाइए, आप ऑफिसर भी बन जाइए, आप वकील भी बन जाइए, मगर उसके साथ शर्त यही है, अगर आप मुसलमान है तो आपका ईमान पहले सलामत होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए, आप मोमिन होना चाहिए पहले आपको। अगर आप मोमिन है, मुसलमान है, आपका ईमान सलामत है, तो फिर आप जो चाहे आप सीखिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर अगर आप दीने इस्लाम को छोड़कर, दीने इस्लाम को छोड़कर अगर आप दूसरे चीजों का नॉलेज लेते हैं तो यह गलत है, क्योंकि आप अपने धर्म के बारे में नहीं जाना। सबसे पहले आपने तो अंग्रेजी सीखने के लिए चले गए, सबसे पहले आप पर जरूरी और फर्ज होना, फर्ज भी है ये सीखना, हमारा दीन इस्लाम को सीखना फर्ज है ना, फर्ज है मेरे प्यारे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दीन इस्लाम की नॉलेज लेना चाहिए, दीन इस्लाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मजहब क्या है, हमारा मजहब में कैसे यकीन होना चाहिए, हम अपने मजहब में कैसे कायम रह सकते हैं। आपको पहले सब जानना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद अपने बच्चे को दीन इस्लाम की तालीम देने के बाद आप उसे इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराए या कहीं और दाखिला कराए, कितने बड़े ऑफिसर बनाइए, कोई इसमें इतराज नहीं है, मगर सबसे पहली बड़ी बात यही है कि आप अपने बच्चे को, अपने घर वालों को पहले दीन इस्लाम की तालीम दीजिए, उसके बाद दूसरे चीजों की तालीम दीजिए। तो आप पर यह जरूरी है कि आप इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको समझाया, आपके सामने मैंने पेश किया, इंशाअल्लाह ताला आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान तरीका है। आपको मैंने पहले लिखवा दिया, उसके बाद आपके सामने मैंने बोल दिया, क्योंकि लिखने के बाद इसमें कुछ समझ आता है, कुछ समझ में नहीं आता। जब मैंने आपके सामने बोल दिया तो आपको यकीनी हो गया कि हाँ समझ गया, तब उसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, आपके लिए बेहतर है, आपके परिवार के लिए बेहतर है, आपको याद करने के लिए बेहतर है। तो मेरे दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए बस इतना ही काफी है, फिर इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में आप इससे भी बेहतर टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।